फासीवाद विरोधी लोग, ये फासीवाद विरोधी लोग वो किनको बता रहे हैं, क्योंकि तो नीतीश कुमार जी भी कुछ लोग में है, तो उसमें गेंडा हमारे देश के खिलाफ चलाए जा रहे थे। उसी तरह से ये हॉलीवुड के अभिनेता कहते हैं कि हम फासीवाद विरोधी लोगों के साथ है को और तराजुओं को क्षतिग्रस्त कर दिए। जीवन चलता है ना, वो हम लोग और आप लोग के पैसे से ही चलता है, ये लोग। नमस्कार दोस्तों, आज हम कांग्रेस पार्टी के भारत यात्रा के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि ये भारत यात्रा जो चल रहा है, कांग्रेस पार्टी का भारत यात्रा से क्या उद्देश्य है, और साथ ही साथ भारत यात्रा में कुछ विवाद भी हुए हैं, तो आज हम कांग्रेस पार्टी के ये भारत यात्रा को एक्सपोज करेंगे। लेकिन इन सब बातों से एक्सपोज करने से पहले हम कांग्रेस की ये जो भारत यात्रा है इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। कांग्रेस पार्टी की भारत यात्रा, इस पर बहुत सारे सवाल भी, मजेदार सवाल आए हैं जो आपको भी सुनकर शायद थोड़ा अजब लगेगा। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये कांग्रेस का भारत यात्रा नहीं, ये परिवार बचाओ यात्रा है। कुछ और राजनीतिक दल कहते हैं कि ये भारत यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा नहीं, ये बस ये साबित करती है यात्रा कि अभी कांग्रेस मृत नहीं है, मीन्स मरा नहीं है, अभी जिंदा है। तो आज हम कांग्रेस पार्टी के इस यात्रा के बारे में अच्छे से जानेंगे कि क्या ये सच में कांग्रेस जो है भारत को जोड़ने का काम कर रही है, या फिर कांग्रेस अपनी नाम चमकाने का कार्य कर रही है। तो सबसे पहले हम कांग्रेस के ये भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कुछ जान लेते हैं। कांग्रेस ने 23 अगस्त को AICC मुख्यालय में भारत जोड़ो यात्रा लॉन्च किया, जारी किया। उसके बाद कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी, 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू कर दिया। यह जो यात्रा होगी कांग्रेस की 3,570 किलोमीटर की होगी। कांग्रेस की जो ये भारत यात्रा होगी 3,570 किलोमीटर की होगी और यह यात्रा 150 दिनों का होगा। और ये जो यात्रा होगी कांग्रेस की 3,570 किलोमीटर की, इसमें पैदल चलना रहेगा, मतलब 3,570 किलोमीटर पैदल चलेंगे। कुल भारत के 12 राज्यों में ये भारत जोड़ो यात्रा चलेगी। यह यात्रा कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक चलेगी। यह यात्रा पूरी तरह से पैदल चलना होगा। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि इस यात्रा के जो हेड हैं राहुल गांधी जी, पैदल 3,570 किलोमीटर चलेंगे, आपको लग रहा है शायद चल जाए, लेकिन 3,570 किलोमीटर एक ऐसा नेता जो मतलब बचपन से उसका लालन पोषण पालन हुआ होगा एक ऐसो आराम जिंदगी में, वो नेता 3,570 किलोमीटर पैदल चलेंगे, देखने वाली बात होगी। आप लोग कमेंट में इसकी राय जरूर दीजिएगा कि क्या राहुल गांधी 3,570 किलोमीटर पैदल चलेंगे। चल लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, एक तरह से उनकी ये भारत जोड़ो यात्रा सफल भी हो जाएगी। लेकिन यदि 3,570 किलोमीटर नहीं चल पाए तो पूछिएगा फिर आप राहुल गांधी से। तो जो यात्रा होगी ये 3,570 किलोमीटर पैदल चलकर होगी। अभी तक, अभी जो है यात्रा भारत के कर्नाटक में पहुंच चुकी है, 12 राज्यों में कर्नाटक भी आता है, कर्नाटक में, और 400 किलोमीटर यह यात्रा पूरी कर चुकी है। यह यात्रा जो है भारत के कुल 12 राज्यों से गुजरेगी, उनमें तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब होगी। तो अब ये 12 राज्य होंगी। और इसमें एक मजेदार बात ये भी है कि आपने ये जो 12 राज्य का नाम सुना, इसमें एक राजस्थान को यदि हटा दिया जाए तो इसमें एक भी ऐसा राज्य नहीं है कि जहां कांग्रेस की अभी सरकार हो, मींस कि अभी एक भी ऐसा राज्य नहीं है कि जहां कांग्रेस की सरकार हो। और साथ ही साथ इन 12 राज्यों में एक राजस्थान को हटा दिया जाए तो एक भी ऐसा राज्य नहीं है जहां कांग्रेस को 4 से 10 सीट से भी ज्यादा मिले हों। पिछले कुछ समय से एक समय ऐसा भी था जहां पूरे भारत में कांग्रेस जो है, कांग्रेस का शासन हुआ करता था, लेकिन ये जो भारत जोड़ो यात्रा है वही 12 राज्यों में जा रही है। सिर्फ राजस्थान को हटा दे तो बचे के 11 राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार नहीं है। और इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा है या फिर भारत कांग्रेस बचाओ यात्रा, समझ जाइए। तो भारत जोड़ो यात्रा का पहला एक्सपोज तो यहीं पर निकल जाता है कि जो 12 राज्य हैं उनमें 11 राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं है और एक राज्य राजस्थान में है,
तो राजस्थान में भी अगले साल मीन 2023 में चुनाव होने हैं, तो 12 के 12 राज्य मान लीजिए वो उन जगहों पर जा रहे हैं जहां कांग्रेस की सरकार नहीं है, कांग्रेस वहां बहुत ही कमजोर हो चुकी है, तो बस कांग्रेस बचाओ यात्रा करने के लिए निकल चुके हैं। दूसरी एक और मजेदार बात है कि इस जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसके टैगलाइन में बताया गया था कि कांग्रेस जो है जितने भी चुनावी जगह रहेंगे उनसे ये यात्रा दूर रहेगी, मतलब चुनावी क्षेत्र से यह यात्रा दूर रहेगी। तो राजस्थान में अगले साल चुनाव होने हैं, अगले साल राजस्थान में चुनाव है, तो इस यात्रा में राजस्थान भी शामिल है, तो इनसे भी आप समझ जाइएगा कि ये भारत जोड़ो यात्रा है या फिर भारत कांग्रेस बचाओ यात्रा, क्योंकि कांग्रेस का जो टैगलाइन था उसमें कहा गया है कि भारत जोड़ो यात्रा चुनावी राज्यों से चुनावी क्षेत्रों से दूर रहेगी। एक और मजेदार इसमें आता है कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को शामिल होने का न्योता दिया, और अभी तक तो इन दोनों नेता शामिल नहीं हुए हैं लेकिन होंगे कुछ हाल के कुछ दिनों में, आपको नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये दोनों मिल जाएंगे इस यात्रा में शामिल होते हुए, क्योंकि नीतीश कुमार जी को अभी राहुल गांधी जी से बहुत कुछ बातें करने हैं और साथ ही साथ उन्हें मनाना भी है, क्योंकि नीतीश कुमार जी आप लोग जान रहे होंगे क्यों राहुल गांधी और नीतीश कुमार जी को आने वाला समय में बहुत सारी बातें करना है, राहुल गांधी को मनाना है, क्योंकि नीतीश कुमार जी भी कुछ लोभ में है, तो उस लोभ को आप लोग समझ रहे होंगे कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो आज न कल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी भी आपको भारत जोड़ो यात्रा से देखने को मिल जाएंगे। अब भारत जोड़ो यात्रा पर कुछ राजनीतिक पार्टियों का प्रतिक्रियाएं भी रही हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी जो अभी सत्ता की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, वो कहती है कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं परिवार बचाओ यात्रा है। भारतीय जनता पार्टी एक ट्वीट करती है जिसमें बताती है कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं परिवार बचाओ यात्रा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता पीसी चाको ने यात्रा से खुद को अलग कर लिया और यह बताया यह यात्रा यह घोषित करता है कि कांग्रेस अभी मृत नहीं है, मीन्स मरा नहीं है, अभी बचा हुआ है। क्या कांग्रेस मृत घोषित हो चुका है? नहीं, मतलब उनका कहना है कि इस यात्रा से कांग्रेस यह घोषित करना चाहती है कि कांग्रेस अभी मृत नहीं है, अभी बचा हुआ है। आम आदमी पार्टी ने यह कहते हुए यात्रा रद्द कर दी कि इसका कोई नतीजा नहीं निकला। आम आदमी पार्टी को भी इस यात्रा में शामिल होने का मौका न्योता मिला लेकिन आम आदमी पार्टी ने यह यात्रा से यह कहते हुए मना कर दिया कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पार्टी कहती है कि केरल में 18 दिन, यूपी में 2 दिन, ऐसे कैसे लड़ेंगे भाजपा और आरएसएस से। मतलब उनका कहना था कि केरल में आप 18 दिन समय देते हैं, यूपी में 2 दिन और बाकी दिन ऐसे ऐसे घूमने में समय देते हो कि क्या आप ऐसे भाजपा और आरएसएस से लड़ने के लिए तैयार हैं। ये तो कुछ भारत के जो अपने राजनीतिक विरोधी राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी प्रतिक्रिया थी। लेकिन इस यात्रा में भी जिस तरह से कृषि कानून में विदेशी हस्तियों का आगमन हुआ था, उस तरह से इस यात्रा में भी विदेशी लोगों का आगमन हुआ है। सितंबर 2022 में हॉलीवुड के अभिनेता जॉन क्यूसेक भारत जोड़ो यात्रा को अपना समर्थन दिया और कहा कि हम हर जगह फासीवाद विरोधी लोगों के साथ खड़ा रहेंगे। अब यहां पर जो उन्होंने ये बात कही फासीवाद विरोधी लोग, ये फासीवाद विरोधी लोग वो किनको बता रहे हैं? फासीवाद विरोधी उनको बोलने का तात्पर्य तो वो हमारे सरकार के खिलाफ बता रहे हैं। तो इन विदेशी लोगों के समर्थन जो है हमें नहीं चाहिए, या फिर भारत की राजनीतिक पार्टियों को भी यह समझना चाहिए कि विदेशी लोगों के से दूर बना के रखें, क्योंकि भारत कृषि बिल के समय भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे विदेशी प्रोपेगेंडा हमारे देश के खिलाफ चलाए जा रहे थे। उसी तरह से ये हॉलीवुड के अभिनेता कहते हैं कि हम फासीवाद विरोधी लोगों के साथ हैं। पहले आप अपने खुद के देश को देखिए, अमेरिका के को देखिए, उसके बाद भारत के बारे में बोलने के लिए सोचिएगा क्यूसेक जी। इस यात्रा में कुछ विवाद भी हुए हैं और वो भी ऐसा विवाद जो बहुत ही चर्चाओं में रहा है। केरल के कोल्लम में कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं ने एक सब्जी बेचने वाले से 2000 रुपए का चंदा मांगा।
उस सब्जी वाले ने 2000 रुपए का चंदा नहीं दिया, सिर्फ 500 रुपए का चंदा दिया। उसके बाद ये जो कार्यकर्ता थे उसके सब्जी को और तराजुओं को क्षतिग्रस्त कर दिए। तो उसके बाद कांग्रेस ने तत्काल इन तीनों कार्यकर्ताओं को निलंबित भी किया, निलंबन भी किया। लेकिन इससे ये पता चलता है एक और चीज कि राजनीतिक पार्टियों का जो जीवन चलता है ना, वो हम लोग और आप लोग के पैसे से ही चलता है। ये लोग चंदा लेकर ही अपना कार्य करते हैं। तो हमें इन राजनीतिक पार्टियों से कोशिश करना होगा जितना से ज्यादा दूर रहे, क्योंकि तो राजनीतिक पार्टियां कब किसके साथ और कब कहां पलटा मार देगी किसी को पता नहीं है। अब इस भारत जोड़ो यात्रा में कुछ सवाल भी आए हैं, सवाल भी उठे, और ये जनता का भी सवाल है। पर्सनली इस वीडियो के द्वारा मेरा भी कांग्रेस से सवाल है कि भारत जोड़ो यात्रा है या कांग्रेस बचाओ यात्रा। इसका आंसर तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं। क्या राहुल गांधी पूरे रास्ते पैदल चलेंगे 3570 किलोमीटर? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और साथ ही साथ ये भारत जोड़ो यात्रा है या परिवार बचाओ यात्रा, इसके बारे में भी आपको आंसर कमेंट में भी देना है। अब हम आपको कांग्रेस की कुछ फोटो दिखाते हैं जो वायरल फोटो है, और उससे आप बताइएगा कि क्या सच में ये कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा का कार्य कर रही है। अब ये फोटो आप देखिए, फोटो जो है आप ध्यान से देखें, ये छोटे छोटे बच्चों का फोटो है, और इस फोटो में ये छोटे छोटे बच्चे कांग्रेस का झंडा लेकर राहुल गांधी जी के साथ चल रहे हैं। तो ये बच्चे शायद राजनीति के बारे में कुछ ABCD भी नहीं जानते होंगे राजनीति का, छोटे छोटे बच्चे हैं और ये बच्चे कांग्रेस का झंडा लेकर चल रहे हैं। यदि राहुल गांधी जी को उतना ही प्यार था तो शायद कांग्रेस के झंडे की जगह ये भारत के झंडे उन लोगों को दे देते, उन बच्चों को, तो वो देश के प्रति एक प्यार भी दिखता। तो ये भी एक उदाहरण है भारत जोड़ो यात्रा का या फिर कांग्रेस बचाओ यात्रा का। अब इस यात्रा में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, अभी इस यात्रा में जो है सोनिया गांधी भी शामिल होने पहुंची थी कुछ दिन पहले। वही सोनिया गांधी जो यूपी में, बिहार में, बंगाल में बड़े बड़े रैलियों में चुनाव के समय आपको नहीं दिखेंगी, वही सोनिया गांधी जो आपको सोशल मीडिया पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, बड़े बड़े लीडर से उतना मिलते हुए नहीं दिखेंगे। लेकिन इस यात्रा में कुछ दिन पहले सोनिया गांधी भी शामिल होती है। तो मतलब इससे भी आप समझ सकते होंगे कि जो सोनिया गांधी कहीं नहीं दिखते हैं वो भारत जोड़ो यात्रा में दिख रहे हैं। और ये जो है यात्रा जो है ये फिर से सब वही सवाल खड़ा कर रहा है, ये भारत जोड़ो यात्रा या परिवार बचाओ यात्रा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सब शामिल हैं, ये एक तरह से परिवार बचाओ यात्रा ही हो सकता है। लेकिन खैर आपकी क्या राय है इसकी जानकारी हमें कमेंट में दीजिएगा। आज इस बीच राहुल गांधी का एक वीडियो जो है बहुत ही वायरल है। ये वीडियो जो है, ये फोटो आप देख रहे हैं, ये जो है कर्नाटक का है। यहाँ पर बहुत तेज वर्षा के बीच, बहुत तेज बारिश हो रही है, उस बीच राहुल गांधी जी अपना भाषण दे रहे हैं, और इस भाषण में उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो कुछ बोल रहे हैं। मतलब इतना कस के बहुत तेज से बारिश हो रहा है और राहुल गांधी इस बारिश में भींगते हुए भाषण दे रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो फोटो आप देख रहे हैं, आप राहुल गांधी के फेसबुक प्रोफाइल में भी यही फोटो देखिएगा। सचिन पायलट जी जो कांग्रेस के बहुत ही बड़ा नेता है, उनके कवर फोटो में भी है, और बहुत सारे कांग्रेस के नेता जो है ये फोटो, राहुल गांधी के भींगते हुए फोटो को अपने प्रोफाइल में, ये कवर फोटो में लगाए हुए हैं, ताकि इसलिए कि लोग देखें तो कहें कि हाँ राहुल गांधी अभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, भींग रहे हैं, ये सब उनका मान बढ़े, इज्जत बढ़े इससे लेकर। तो इस फोटो से भी जो लोग समझ रहे हैं वो खुद समझ जाएंगे कि भारत जोड़ो यात्रा है या फिर कांग्रेस बचाओ यात्रा। इस यात्रा में कांग्रेस का जो उद्देश्य था, कांग्रेस जो है इस यात्रा में जो अपने वेबसाइट पर उन्होंने लिखा है, उनका उद्देश्य था कि इस यात्रा से हम भारत को मजबूत करेंगे, भारत को आगे बढ़ाएंगे, भारत को मिलजुल कर लेकर चलेंगे। तो बात तो सही है, चल तो रहे हैं वो, लेकिन भारत की बात करते हुए सिर्फ 12 राज्य में जा रहे हैं जहां उनकी सरकार, जहां वो बहुत ही कमजोर है। कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन सब जगह उनकी सरकार जो वो कांग्रेस पार्टी बहुत ही कमजोर है। और अभी के समय में शायद राजस्थान, अगले साल चुनाव है, सिर्फ राजस्थान जहां एक जगह सरकार है उन्होंने जोड़ा है। कांग्रेस का कहना है कि यह यात्रा चुनावी राज्यों से दूर रहेगी, लेकिन राजस्थान में कैसे ये यात्रा चल रही है? जब चुनावी राज्यों से दूर रहेगी तो ये यात्रा जो है, अगले साल राजस्थान में चुनाव है, तो राहुल गांधी को इस पर जवाब देना चाहिए जनता के बीच कि हाँ क्या जब आपका जो
भारत जोड़ो यात्रा है उसका टैगलाइन में कहा गया है कि हाँ ये जो भारत जोड़ो यात्रा है चुनावी राज्यों से दूर रहेगी, तो उसके बाद भी आप राजस्थान जा रहे हैं, राजस्थान में भारत यात्रा करेंगे। तो बाकी आपको मैंने भारत यात्रा के बारे में पूरी जानकारी दी, सच कुछ बातों पर एक्सपोज भी किया और ये भी बताया कि ये भारत जोड़ो यात्रा है, या फिर आप लोग समझ रहे होंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए।